सभी को शुभ दिन। एक स्टेनलेस स्टील के पैन में एक समस्या थी जिसमें एक छेद हो गया था। यह पैन 3 साल से इस्तेमाल हो रहा है और यह छेद हो गया है। इससे बहुत परेशानी होती है, इसमें से पानी बहता रहता है। छेद को ठीक करने से पहले पैन को चारों तरफ से सूखे कपड़े से पोंछ लें। इसके बाद हमें अंतिम सफाई के लिए सैंडपेपर की आवश्यकता होगी, उदाहरण के लिए P80। हम छेद के आसपास की जगह को बाहर और अंदर से साफ करते हैं। इसके बाद रुई, सॉल्वेंट या एसीटोन लें, इसे ढक्कन में डालें, रुई से गीला करें और इस जगह को डीग्रीज करें, पैन के एक तरफ और दूसरी तरफ। डीग्रीज करने के बाद सतह के सूखने तक थोड़ा इंतजार करें। सुविधा के लिए काउंटर वेट लगा दें ताकि सील लीक ना हो। इसके बाद हमें ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड की आवश्यकता होगी। यह स्टेनलेस धातुओं को सील करने के लिए एक विशेष एसिड है। मैं छेद के चारों ओर एसिड डालता हूं, फिर टिन और एक गर्म सोल्डरिंग आयरन लेता हूं। छेद के चारों ओर सावधानी से सोल्डर करता हूं। सोल्डरिंग के ठंडा होने का इंतजार करें और फिर से ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड लगाएं। मैं फिर से टिन से सोल्डरिंग करता हूं। मैं सलाह देता हूं कि सोल्डरिंग सिर्फ बाहर से ही करें ताकि रसायन भविष्य में खाने के संपर्क में ना आए। किए गए काम की गुणवत्ता की जांच के लिए मैं पैन में पानी डालता हूं, यह सुनिश्चित करते हुए कि पानी बहे नहीं। आप सभी का ध्यान देने के लिए धन्यवाद। लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुभकामनाएं। अलविदा।